तो पुराने नेता है तो वो तो अभी तक विकास नहीं किया है। संतोष माझी बोला था। अच्छा, और एक और खड़ा है इधर अभी रोशन माझी। अभी हम गया के इमामगंज विधानसभा के दिसचंडी में आए हुए हैं। यहाँ क्या मुद्दा है इस बार विधानसभा चुनाव के लिए, किस मुद्दे पर लोग इस बार वोट करेंगे, जरा यहाँ के ग्रामीण से जानने की प्रयास करते हैं, तो देखते हैं। चाचा, अभी आपके इमामगंज विधानसभा में उपचुनाव होना है ना, तो इस बार आप लोग किस मुद्दा पर वोट करेंगे? हम लोग को सुविधा मिलना चाहिए, उसी पर और कुछ नहीं। किस प्रकार के सुविधा मिलना चाहिए? हर चीज को गांव में मिलना चाहिए, स्कूल है न, अथी समूह भवन है न, पानी टंकी है न। सामूहिक भवन भी इस गांव में नहीं है ना? कौन सा गांव में? सिंहपुर गांव। सिंहपुर गांव में सिंहपुर मौजा है, उसमें सामुदायिक भवन नहीं है, नदी पार है, नाला पार है। अच्छा, और स्कूल भी नहीं है? स्कूल भी नहीं है, कुछ यहाँ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, आदमी की जनसंख्या ज्यादा हो गया। तो फिर आप लोग वोट कैसे कर देते हैं जब इतना समस्या है, तो फिर वोट कैसे कर देते हैं? गांव जिधर वोट करते उधर कर देते हैं? समस्या ये है कि नेताजी को दिखाते नहीं है कि भैया ये समस्या है। जी चाचा, अभी तक जितना भी कैंडिडेट आए हैं जी, अपना लोभ में तो किए जी, जनता भी उसको पीछे दिया जी, लेकिन कारोबार कोई नहीं किया। नहीं, हम लोग परेशानी है, सिंहपुर जो बसा हुआ है कुछ 30 वर्ष पहले से बसा हुआ है, ज्यादा आज जमींदारी से बसा हुआ है, न हमारा रोड है न पानी की व्यवस्था है, जल्दी जल्दी करते अच्छा। उधर गांव है उधर, और फिर वो लोग का रास्ता नहीं है, वो कौन सा गांव है? सिंहपुर है, और इसी में है जाते हैं लोग, यानी कि 70 से टूटा हुआ रास्ता है उस गांव के लिए, मेन रोड से टूटा हुआ नहीं है, यानी कि विकास का इधर अभाव है, विकास चाहिए है ना। अच्छा, एक चीज बताइए, तो विकास कैसे होगा? अब कैसे होगा सर, आप लोग समझ रहे हैं? कुंजी ना ना, हमें कोई नेता जीतेगा लगेगा तब ना होगा। तो जो पुराने नेता है तो वो तो अभी तक विकास नहीं किया है। लेकिन यहाँ के एक जी जी एक चीज, तो यहाँ के तो एक नेता जी है जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, माझी जी, जीतन राम माझी जी है ना, तो उनका ये और यहीं से वो जीते हुए भी थे, और उनके लड़का भी जो है ना संतोष माझी वो भी हैं, और इस बार उनका पुतोह भी खड़ा हो रही है, तो फिर ये पूरा फैमिली जो है ना मंत्री और नेता हैं, तो फिर वो विकास क्यों नहीं किए? हमने जालिया तो लगा देते हैं, लेकिन सर ऊपर चढ़ा कि ना चढ़ा, गिरा कि मारा से देखूं आवा है, जितने मन है कह दिन आया है यहाँ। अच्छा, और बेटा ढोल पीटी क्या हम जीत जाएंगे तो 2000 पेंशन कर देंगे, और उनका सारा गांव गांव घुसा गया। अच्छा, क्या कौन? संतोष माझी बोला था। अच्छा अच्छा, कब किया? आधा समय पार कर गया ना जी। अब घूमने आते हैं कि नहीं जीतने के बाद? नहीं, अपन कभी नहीं, अपन काम है तो जनता से कोई काम नहीं करना। चौधरी जी वर्मा जी के इतिहास बता सकते हैं। अच्छा अच्छा, समझ गए ना। अच्छा, और एक और खड़ा है इधर अभी रोशन माझी। हाँ, गोटी बन के वो लोकले हवा, पूरा लोकल हवा, घर के लोग पेटे भर में रह तो खाली, जनता के देखे वाला ना हवा। और एक और आया है, आज तक उसको फंड नहीं मिला है। अच्छा अच्छा, बाकी अच्छा, एक और आया है पार्टी आपको जन सुराज, वो कैसा है? वो तो पहले बार रहने किया है, जगह डिलीवरी किया है, लेकिन उसको भी जो हिसाब से बोलता हूँ हिसाब से सुझाव दिया, तकलीफ है तो हम हर आदमी से नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात, वो तो पूरा जो है वादा करता है कि हर एक समस्या को हम ठीक करेंगे, और वृद्धा पेंशन 400 के जगह पर 2000 देंगे।
अच्छा आपके माझी जी एक चीज और जो है ना कमेंट कसे हैं, बोल रहे थे न्यूज पे कि प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी हर व्यक्ति को एक एक लाख रुपया दे रहा है, क्या ये कितना सच है? जो है मतलब न्यूज में बोले हैं जीतन राम माझी कि जन स्वराज पार्टी लोगों को एक एक लाख रुपया दे रहे हैं, क्या ये सच है? बिजनेस करे लोग पैसा बोले हैं 50,000 रुपया बिजनेस करे ला देंगे, तुरंत से देंगे। हाँ 50,000 जिसमें हम गरीब हैं कह रहे हैं। अच्छा रोजी रोजगार के लिए देंगे 1 लाख 2 लाख की कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा बात है, तो ये इलेक्शन से पहले देंगे कि इलेक्शन के बाद देंगे, क्या बोले हैं? अच्छा जीतने के बाद 4 को कम आप लोग जीतेंगे महीना के अंदर में चालू कर देंगे, है ना? तो इसी पर हम लोग भी तो चल भाई साहब चाहते हैं, यानी कि आप लोग परिवर्तन चाह रहे हैं? परिवर्तन चाहेंगे, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन चाह रहे हैं। अच्छा सबके गांव घर टोला मोहल्ला सबके देख लिए, किसानों के देख लिए और बांके बाजार के देख लिए, सबके पैसे लगते हैं, ये लोग ले हैं बाहर के सब चौधरी जी का। जन स्वराज के तरफ से कौन खड़ा है? जितेंद्र पासवान है, जितेंद्र पासवान, जितेंद्र पासवान बांके बाजार, डॉक्टर जितेंद्र पासवान जो बच्चा के डॉक्टर है, कोरोना काल में फ्री इलाज किए थे। जो भी करे लिखे वही है, हम लोग जाते हैं बांके बाजार बच्चा लेने के लिए। अच्छा 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 तो ऐसे ना चाहिए। हाँ विधवा पेंशन के हो गए, राशन कार्ड मिल रहा है वहाँ से चलता है कि नहीं 5 किलो मिलेगा और यहाँ 4 किलो सर मिलता है, वहाँ में साल लगाई हो रहा है, वहाँ में एक साल में एक महीने यहाँ का गायब हो जाता है। किसान भाई कितना तो धोले चलते पहले कार्ड पर लिखा था महीने महीने और वो खत्म हो गया महीनों। ब्लॉक में जाते हैं कोई काम करवाने कागज पत्र के तो उसमें पैसों लेता है? पैसा के कोई काम नहीं करता है, काम करते दस्त करते 2 रुपया तक लेता तो साइनवा करता है। वृद्धा पेंशन हम कराने में गए थे, हम आपको बात बता रहे हैं, सुनते हैं दाखिल खारिज में 5,000 रुपया लेता है, 5,000 तो ब्लॉक स्टाफ सबको महीना मिलता है, सरकारी बॉडी है तब पैसा का लगी लेता है, जनता के पैसा से कौन भर रहा है? 24 दिन के म्यूटेशन करे में हम कुछ 16,000 रुपये खर्च हुआ है। हाँ अभी सीओ करवाए थे, और राशनो कार्ड में बनाने में पैसा लगता है? राशनो कार्ड में पैसा लेता है। कितना लेता है? 2 रुपया 50 रुपया में है, वृद्धा पेंशन के नाम पर पैसा सब ले है, लेकिन वैसे वृद्धा पेंशन किया नहीं है। परिवार थे कहे उनको आपका होगा जी, हमको कर रहे हैं जितेंद्र पासवान जी कि हम जब जीतेंगे तो सबसे पहले जो है जो ब्लॉक में जिला में जो लोग पैसा जो डिमांड करते हैं, है ना, गरीब जनता को जो चूसते हैं, उस सबसे पहले हम खत्म करवाएंगे कि हर काम जो है ना फ्री में होगा, ये उन लोगों को वेतन पहले से मिलता है तो पैसे की कहीं खर्च ही नहीं है, तो कितना सही बात बोलते हैं, कर पाएंगे? अच्छा एक चीज और बताइए चाचा कि सुनते हैं यहाँ बिहार में शराबबंदी है, क्या शराब बंद है यहाँ? महंगा है कि बंद? शराब बंद ना हुआ, पहले तो 10 रुपए बोतल में पी लेते, 40 रुपए बोतल लगा रहा, शराब बंद नहीं कहीं हुआ है। इतिहास देखिएगा पढ़िएगा, शराबबंदी से आप खुश है कि ना खुश है? शराबबंदी से कोई मतलब हम लोग उसके मेडियम के पीछे हम लोग शराब पिएगा तो बेकार करेगा तो खुद जाएगा। और ये जन स्वराज पार्टी कहते हैं कि हम शराब को 10 मिनट के अंदर चालू करेंगे, बोलते तो हैं,
तो ये अच्छा करेंगे कि या बुरा करेंगे? अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, चालू ऐसे होगा ना तो अच्छा ढंग से चालू करेंगे तो हो जाएगा। मैंने अच्छा चीज जब महंगा भी हो गया और खाली पॉइजन मिल रहा है, जो जैसे अभी मर गया है ढेर के ढेर लोग, कम से कम खुला हुआ रहेगा तो ओरिजिनल सामान मिलेगा और सस्ता में मिलेगा, लोग के पैसा भी बचेगा और शरीर भी बचेगा। अच्छा चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।